जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आप जैसे खबर देख रहे हैं, आप भी यकीन नहीं कर रहे होंगे कि 110 सदस्य एक जन आधार के अंदर कैसे जुड़े और इसमें किसकी गलती है। ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है ये देखेंगे। लेकिन इस जन आधार के अंदर 110 सदस्य जुड़े हुए हैं, लेकिन ये परिवार सिर्फ 4 सदस्यों का ही है। इस परिवार में सिर्फ 4 सदस्य ही जो इम्पोर्टेंट है। इसमें हुआ क्या है, न्यूज़पेपर में क्या छपा है, इसमें लिखा है कि जो हाईलाइट किया है वो लिखा है महाजन आधार 4 सदस्यीय परिवार वाले जन आधार कार्ड में 110 लोगों के नाम जोड़े गए। तो इसमें हुआ क्या था, 4 सदस्य वाला ये जन आधार कार्ड था, इसकी रसीद संख्या आपके सामने है, 110 लोगों के नाम जुड़े होने का मामला सामने आया है। ये मामला मासूदा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जुझारो का बड़िया गाँव का है। यहाँ की एक महिला सुशीला बानू की उम्र 25 ईयर्स है और इसके परिवार में 4 सदस्य है, लेकिन उसके जन आधार कार्ड में 110 सदस्य जुड़े हुए हैं। इनमें से अधिकांश का सत्यापन मासूदा उपखंड क्षेत्र के 4 सरकारी अधिकारियों की आईडी से ही हो भी चुका है। और ये सदस्य एक दो नहीं बल्कि 20 ई मित्र संचालक को की आईडी से सदस्य जोड़े गए हैं। कैसे हुआ ये उजागर कैसे हुआ? सुशीला पानो या उसके जन आधार कार्ड में जुड़े सदस्य ई मित्र पर जन आधार में संशोधन कराने पहुंचे तो उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि वे तो पहले से ही सुशीला पानो के कार्ड से जुड़े हुए। कुछ ई मित्र संचालकों को शक होने पर तह तक गए तो पता चला कि ब्यावर मछुदा रोड स्थित एक ई मित्र संचालक पिछले 3 साल से अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों के जन आधार कार्ड में जुड़े डुप्लीकेट सदस्य होते हैं उनको ट्रांसफ़र करके दूसरे जन आधार के अंदर चढ़ा देता था। सुशीला बानो के जन आधार कार्ड के कई सरकारी कर्मचारी का नाम भी दर्ज है। ई मित्र वाले ने क्या सफाई दी, ई मित्र संचालक ने क्या सफाई दी है? जिन ग्राहकों के डुप्लीकेट नाम जुड़े थे उन्हें स्थानांतरित करते हुए एक ही जन आधार कार्ड में ये सोचकर जोड़ दिया गया कि ये डुप्लीकेट नाम हटने के साथ वे सभी एक ही जगह पड़े रहेंगे। अज्ञातवास ये एंट्री मुझसे होती रही, जिसे विभाग से आग्रह कर दुरुस्त कराया गया। मतलब आप देखिए, अधिकारी की भी सबसे बड़ी गलती है कि आपको ई मित्र संचालक आपसे आग्रह करता है जी हाँ कि उसको आप अप्रूवल कर दीजिए, ये भी नहीं होना चाहिए। जो अधिकारी होते हैं, जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल अप्रूवल वाले होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए इस बात का, ठीक है। आगे क्या है, एक्सपर्ट के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग को इस कार्ड को निरस्त कर देना होगा, यहाँ पे सदस्यों को हटा देना होगा। इसके बगैर जन आधार से जुड़े 110 सदस्य किसी योजना का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका उपाय क्या हो सकता था, सरकार को क्या करना चाहिए था, या फिर उस मित्र वाले को क्या करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों आपको बता दूँ कि ये डुप्लीकेट मेंबर वाला है, इसके अंदर यदि आधार नंबर आपका लिंक नहीं है, प्लस देखिए जो नाम सेम हो जाता है एक के अंदर, तो ये सिस्टम डिलीट करता है, ऑटोमेटिक सिस्टम ही डिलीट करता है। लेकिन ई मित्र संचालक के पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपके पास किसी भी तरह का जो नाम डिलीट करवाने के लिए आता है, डुप्लीकेट नाम डिलीट कराने के लिए आता है ई मित्र संचालक के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आपको किसी भी तरीके से डिलीट के लिए नहा दे देना, मना कर देना है, क्योंकि आपको बता दूं कि कोई ऑप्शंस नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र के नंबर मांगे जाते हैं, तो इसलिए डिलीट का कोई ऑप्शंस नहीं है फिलहाल। लेकिन आने वाले समय के अंदर शायद जो है जन आधार पोर्टल है वो मॉडिफाई हो रहा है, जन आधार 2.0 क्या वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए मैं कहूँगा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जन आधार जो पहले वाला है ओल्ड वर्जन उसको अपग्रेड कर दिया गया है, तो बहुत सारी प्राइवेसी है उसके अंदर रखी गई है, उसके अंदर अब वेरिफिकेशन के बगैर आप किसी भी तरह का स्टेटस भी आप शो नहीं कर सकते, तो काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन अब बात बता दूं कि ये नाम जुड़े तो जुड़े कैसे, तो आपको बता दूं कई बार तो होता क्या है कि ट्रांसफ़र करते हैं तो कि डुप्लीकेट जो जन जिसके अंदर आधार नंबर लिंक नहीं होते हैं तो वो नहीं डिलीट हो पाते हैं।
अब देखिए उसको ट्रांसफ़र ही करना पड़ता है, एक ऑप्शन लास्ट होता है ट्रांसफ़र का ही, लेकिन उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है कि फर्स्ट अप्रूवल, सेकंड अप्रूवल, या अप्रूवल होने के बाद में अनुलिपिकरण के लिए जयपुर जाती है एजेंसी। क्या ये दो अधिकारी, ये दो वेरिफिकेशन रिजेक्ट किए जा सकते थे? उससे ये 110 जो सदस्य है वो नहीं जुड़ पाते, लेकिन जो अधिकारी है उनको भी एक चीज़ें प्रॉपर तरीके से देखनी चाहिए चीज़ें, कि वो एक गवर्नमेंट अधिकारी है और उनको गवर्नमेंट अधिकारी किन के पास ये आईडी होती है, आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये आईडी होती है ग्राम सेवक के पास, आपके गांव के अंदर फर्स्ट लेवल ग्राम सेवक के पास होगी, उसके बाद में पंचायत समिति के अंदर किसी के पास भी शायद हो सकती है, अब उसके बाद में वीडियो के पास होती है पंचायत समिति के। तो इसमें अप्रूवल होना चाहिए था, और इस वीडियो में बस इतना ही। जन आधार को मॉडिफाई करना चाहिए था, मेरा यही रिकमेंड है, और जन आधार कार्ड को आधार बेस करना चाहिए, आधार से डाटा मैच करना चाहिए जन आधार का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद जन आधार के अंदर मिसिंग है, लेकिन ये जन आधार के अंदर जो भी मिसिंग चीज़ें हैं वो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।